हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट की। दोस्तों, स्नैपचैट की डिलीट की फोटो आप कैसे वापस ला सकते हैं, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। दोस्तों, बहुत मतलब तुरंत ला सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो बहुत ही जेनुअन है। वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी स्नैपचैट से फोटो वीडियो डिलीट हुए होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे, मतलब आप उनको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल टेक्नोरुका को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो घंटी का बटन है इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाइस लिख देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे देखिए ले चलता हूँ स्नैपचैट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप स्नैपचैट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए। जैसे दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं स्नैपचैट ओपन करता हूँ, इसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज है वो यहाँ पे लगी हुई है। अब दोस्तों, जैसे मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो जैसे यहाँ पे से कोई भी फोटोज वीडियोज आपकी जो डिलीट हुई है, स्नैपचैट की फोटोज है मेरी। अब दोस्तों, आपको जैसे मैं यहाँ पे इसको एक जैसे देखिए ऐसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे यहाँ से आपकी जो फोटोज है वो डिलीट हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपन इसको डिलीट कर देंगे, तो जैसे ये फोटो आपकी डिलीट हो गई है दोस्तों। अब इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे यहाँ पे है ना, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं देखिए दोस्तों सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ऐप सेटिंग में, ठीक है। ऐप सेटिंग में जाएंगे, ऐप सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। और ऐप मैनेजमेंट पे जो आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखना है आपका स्नैपचैट ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्नैपचैट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक परमिशन देनी होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो सबसे नीचे है पोज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड, ठीक है। तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक और सेटिंग है वो आपको कर लेनी है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मैनेज नोटिफिकेशन है ये डेनी किया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो इसको आपको अलाउ कर देना है। और दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, इससे बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ बिल्कुल एकदम बाहर आ जाना है। इसके बाद में आपको सर्च करना है बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्च करूंगा बैकअप एंड, ठीक है, तो रिसेट। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको करना है, ये आ गया हूँ मैं यहाँ पे बैकअप में, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों क्या है कि आपको उस बैकअप को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो वो बैकअप ऑन करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना है वापस से बाहर। दोस्तों बाहर आने के बाद बिल्कुल आपको एक और मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सेटिंग तो वो हो गई है आपकी कि आप सेटिंग में जाके आप अपना जो बैकअप फोटोज बैकअप है उसको आप इनेबल कर लीजिए, जिसके बाद में आप जो भी फोटो डिलीट करोगे वो वहां पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक और मैं बता देता हूँ, आप आता है फोटोज वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, फोटोज में भी जाना है। फोटोज में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको भी इनेबल कर लेना है, मतलब जो फोटोज वाला जो ऑप्शन है उसको भी आपको, क्योंकि दोस्तों फोटोज से क्या होता है कि आपकी जो फोटोज है वो यहाँ पे मेल पे चली जाती है सारी सब कुछ। तो इस ये गूगल सेव्ड है, मतलब आपकी जो डेटा है वो इस यहाँ पे सेव रहता है, ठीक है। जो भी फोटोज वगैरह यहाँ पे डिलीट हो जाती है आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल टेक्नोलॉजी अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।